हाय तगड़े हो तो कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 2 बजे से स्टार्ट, क्योंकि सुबह से बहुत बिजी थी मैं, क्योंकि आज एनिवर्सरी है तो उसके तैयारी कर रही थी। तैयारी भी क्या करी, मैं सुबह नहाई, फिर उसके बाद बकरियों के साथ चली गई, फिर पापा आए बकरियों से, फिर पापा नहाए, फिर पापा बकरियों के साथ गए, फिर मैं घर आई, फिर मैंने सारे कमरों का झाड़ू मारा, पूरे आंगन का झाड़ू मारा। यहाँ का तो ऐसी तैसी, मैंने पहले भी बोला है आपको कि जब ये आते हैं ना घर, तो इस कमरे की ऐसी की तैसी हो रखी होती है। और इनको बोला था मैंने केक लाना, तो ये केक लेने गए थे सुबह से, और केक भी ऐसे पिचका पुचका के लाए हैं ना कि पूछो मत। अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, केक मैंने फ्रिज में रख दिया है। आए और ऐसे ही रख के चले गए केक को। मैंने कहा गलेगा नहीं वो, तो मेरे को बोला कि जा फ्रिज में रख के आओ उसको। मैंने कहा तुम नहीं रख सकते थे, हद हो गई। मैंने कहा तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को केक। तो ये रखा हुआ है मैंने केक, और इस ऐसे देखो पूरा तोड़ तोड़ के ले आए, क्योंकि बाइक में यार यहाँ का ना रोडों की प्रॉब्लम है, इनकी नहीं है दिक्कत है, क्योंकि इनकी कोई वो नहीं है, उसमें गलती नहीं है, क्योंकि रोड ही ऐसी है यहाँ की, तो कर भी क्या सकते हैं। तो ये केक है, और हमारे फ्रिज में बाकी कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। एक उसका डब्बा है, ये क्या बोलते हैं इसको, पेठे का डब्बा है, और ये मैंने यहाँ से निकाल के डाल दिया, क्योंकि यहाँ केक के लिए जगह नहीं हो रही थी, मतलब पूरा नहीं आ पा रहा था केक, तो इसलिए मैंने इसकी एक प्लेट निकाल के यहाँ डाल दी। मैंने कहा यहीं रह दो, और बाकी तो कुछ है नहीं। और यहाँ चॉकलेट रखी होती है मैंने, तो खाती हूँ कभी कभार। तो चलो चलते हैं अब और तैयारी करते हैं। तो अभी दी बना रही है पकौड़ियाँ, और मैं गोलू के साथ नीचे आई। मैं अखबार लेने आई थी, क्योंकि जो वो होता है ना पकौड़े उकोड़े रखने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसे, हम तो कंडू बोलते हैं, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं, डलूनो भी बोलते हैं, कंडू भी बोलते हैं, जिसमें रोटी रखते हैं। तो मैं उसी के लिए अखबार लेने आई थी नीचे, तो इसके चाचा इसको लेके आ गए नीचे। तो मैंने कहा लो अखबार दे के आओ तुम, और मैंने कहा मैं यहाँ का काम करती हूँ, लेकिन ये करने नहीं दे रहा है। अब इसको ऊपर छोड़ के आऊँगी, फिर अभी डेकोरेशन भी करना है, बहुत सारा काम बचा है जो अभी करना है। अभी डेकोरेशन करना है, दी रोटी मतलब दी पकोड़े बना रही है, मैं डेकोरेशन करूँगी, फिर तैयार होना है, और जल्दी ही केक काटेंगे 3-4-5 बजे के लगभग, क्योंकि अब यहाँ बगल वाले गाँव में शादी है, तो लोगों को न्यू ईयर जाना है वहाँ, तो इसलिए हमारा छोटा सा था हमारा गाँव है, तो हमने कहा जल्दी काट लेंगे, क्योंकि सब खा लेंगे ना केक वगैरह। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, केक है और खाम वो होगा, चाय नमकीन बिस्किट होंगे, और बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको देखना अभी तो बुके बुके पता नहीं क्या बोलता रहता है अपनी भाषा में, हमें हमें भी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, देखना। और कैमरे को देख के इतना खुश होता है ना कि पूछो मत। तो चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या क्या काम होता है। अभी मेरे को डेकोरेशन करनी है, कोई राजी नहीं है डेकोरेशन करने के लिए, तो मेरे को ही करनी पड़ेगी। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं अभी अभी आ गई हूँ ऊपर से डेकोरेशन करके, मैंने पूरी डेकोरेशन कर ली है, जल्दी से केक काटेंगे, क्योंकि लोगों को शादी में भी जाना है, मतलब पौने जाना है। तो फटाफट पहले तैयार होती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फिर सुबह से तो ऐसे तैसे हो रखी है वैसे भी, तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में जब मैं तैयार हो जाऊँगी। और एक ये है, ये नहा के सीधे भी यहाँ आ गई, मैंने इसको आवाज़ दी कि थोड़ा गुब्बारे फुलाने में मेरी हेल्प कर, तो ये आ गई। तो चलो फटाफट से होती हूँ तैयार, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, ये बॉडी भी आ गई है, बॉडी इन वाला हैप्पी एनिवर्सरी खायल हमर केक खायल हमर केक इन वाला देवक सालगिरह बधाई, देवक सालगिरह बधाई बधाई हो, बहुत धन्यवाद हो कुछ नहीं।
मेरे जतो फोन आओ बस मैं साहब को आओ छो मैं फोन कर रहा हूं फोन कर नमस्कार तो मैं बल में दे हम जाऊं जाऊं बल में दे हम जाऊं तुम चलना जाओ वाला चल चल बाबू उधर बोलो मत बजा कर कोई जमी आनो दे हम सुधी बोल हमें बल पर सुधी दे हम जो का बटन फोन तो साथ नहीं आ रहा वो के फोन से चाची क्या अच्छा Thank you.
अभी हो रहा है टाइम, रात के 8 बज रहे हैं और हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अच्छे से कर लिया है और केक जल्दी काट लिया था क्योंकि उधर एक शादी है, वो जहाँ बहुत सारी लाइटें जल रही है ना, ये तो यहाँ एक शादी है तो सारे लोग वहाँ जा रखे हैं, तो और मेरे ससुर जी और जेठ जी भी वहीं गए हैं तो इसलिए हमने जल्दी काट दिया केक। तो अभी देखना कितने प्यार से सजाया था, कितना टाइम लगा था इसको बिगाड़ने में लोगों ने, 10 मिनट भी नहीं लगाए भाई, इतने सारे गुब्बारे फुलाए थे देखना, पूरे आंगन में बिखरे पड़े हैं और इतने अच्छे से डेकोरेट किया था, अब ऐसी की तैसी हो गई है पूरी। तो चलो कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन सही से हो गया, बाकी तो अब खाएंगे खाना, वैसे तो खाने का मन भी नहीं कर रहा है, इतना सारा केक खा रखा है, इतने सारे पकोड़े खा रखे हैं, चिप्स खा रखे हैं, पता नहीं क्या क्या खाया। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो बज चुके हैं रात के 9:30, मतलब 10 बजने वाले हैं और मैं खाना वाना खा के आ चुकी हूँ अपने रूम में, और रूम की हालत देखना कैसी हो रखी है, ऐसी तैसी हो रखी है पूरे रूम की, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा ये चीज़ कि जब कोई घर पे ओकेशन या पार्टी होती है ना तो ऐसी रूम की हालत कुछ ऐसी होती है, क्योंकि उस टाइम तो हड़बड़ी होती है तैयार होने की, तो फटाफट सारे ऐसे फेंक देते ना कपड़े उपड़े या मतलब सामान वामान सब ऐसी। तो आज ये उठे थे तो इन्होंने बिस्तरे की वो भी नहीं करी, तय भी नहीं करी, मैंने बोला नहीं ना तो उन्होंने करी नहीं, मैंने करी थी सुबह, ठीक है ना। ये चले गए थे ऊपर और दोनों रजाई ऐसे दो रजाई ले रखी थी, बल ठंड लग रही है, और उसके बाद रजाई की तय नहीं करी सुबह, तो जब मैं कमरे में आई तो मैंने तय करी। और अभी खोल मिलो, तो चलो इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी 2-3 दिन के ब्लॉग बचे हैं, उनको एडिट करके फिर डालूंगी तो देख लेना आप लोग। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।